हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं जसिंद्र का फार्म हरियाणा। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं। इधर फार्म में हर जगह पानी पानी है। और आपको हमने पहले भी बताया था कि हमारा फ्री रेंज फार्म है, इनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं बना रखी कि इनको अंदर रखें। जितना भी जितने भी ये पक्षी हैं हमारे पास, सभी ओपन रहते हैं, चाहे कितनी बारिश आए सभी। और इनके भी देसी के भी सब बाहर रहते हैं। अब ये देखिए आप पानी के अंदर, अब भी बारिश चल रही है, आपको दिख रही होगी। जितनी हम ज़्यादा सुरक्षा करते हैं उसी हिसाब से पक्षी बीमार होते हैं। जितना इनको ओपन छोड़ते हैं उतना ये ठीक रहते हैं। ये असील भी हैं, इनके अंदर देसी भी हैं। और आगे तक दिखाता हूँ आपको, ये देसी वाइट में है, वो सामने कड़कनाथ। अभी गर्मी का टाइम है तो हमने सबको मिक्स कर रखा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल बच्चे नहीं निकलवा रहे। और आगे तक दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सभी जितने भी आपकी नज़र जा रही है जहाँ तक, सब बाहर हैं। इनके लिए कोई शेड वगैरह नहीं है। जितने भी आप ये पेड़ देख रहे हैं सामने, सब के सब इन्हीं पेड़ों में बैठते हैं। ये किन्नों का बाग लगा हुआ है, जो इस टाइम मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फड़ाया हुआ इनके। ये देखिए आप, अभी साइज के हुए हैं। इन्हीं के अंदर रहते हैं, चाहे कितनी बारिश आए, कितनी सर्दी पड़े, कितनी धूप पड़े, सब के सब। अब थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, आगे तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, हर पेड़ के नीचे आपको ये नज़र आ जाएंगे। उनके ऐसी आदत पड़ी हुई है, अभी जैसे सामने अभी आप देख रहे हैं, ये अंडे वगैरह देने के लिए हमने बना रखे हैं, लेकिन कोई पक्षी इसके अंदर नहीं है। अभी बारिश हो रही तो बारिश में सब मज़े कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप। ये सामने असील का है, ये सब बारिश में अपने मज़े ले रहे हैं। आपको ये हमारा फार्म कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर किसी भाई को असील, देसी, कड़कनाथ, प्योर क्वालिटी चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये वाइट में देख सकते हो सामने, ये बिल्कुल देसी में है। छोटा बच्चा दिखाता हूँ आपको, ये सब छोटे बड़े सब ऐसे ही रहते हैं। ये देसी का है, किसी भाई को कोई ज़रूरत हो तो हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फार्म आपको कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।